चंडीगढ़ से बड़ी खबर, क्लर्क एसोसिएशन के साथ बैठक जारी। जानकारी है कि बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर मौजूद है, वित्त विभाग के अधिकारी और सीएम के ओएसडी मौजूद है। प्रदेश में क्लर्क 5 जुलाई से हड़ताल कर रहे हैं और इसीलिए ये बैठक काफी ज्यादा अहम है, जहां पर क्लर्क एसोसिएशन के साथ ही बैठक हो रही है। इस बैठक में बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वी उमाशंकर, वो भी शामिल हैं, वित्त विभाग के अधिकारी भी हैं, सीएम के ओएसडी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम अधिकारियों के बीच में ये बैठक हो जाती है काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर जो क्लर्क है प्रदेश में वो लगभग कई दिनों से 5 जुलाई से हड़ताल पर है। उनकी मांगों को लेकर ही ये बैठक जो है वो चल रही है। तो क्लर्क एसोसिएशन के साथ बैठक चल रही है। रवि चंदेल से और जानकारी के लिए रुख करते हैं सीधे चंडीगढ़ का ही, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, अगर क्लर्क एसोसिएशन के बैठक का जिक्र करें तो ये बैठक जो है वो बीते लगभग 1-1.5 घंटे से ये बैठक जो है वो लगातार जारी है, और इस बैठक में क्लर्क एसोसिएशन का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो शामिल हुआ है। तो वहीं अगर हम सरकार का जिक्र करें तो सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, वित्त विभाग के ACS अनुराग रस्तोगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो गतिरोध सरकार और क्लर्कों के बीच जारी है, उस गतिरोध पर जो है वो अंकुश जो है वो कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि इससे ठीक पहले 13 जुलाई को एक बार जो है वो मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के साथ क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई थी, और उस बैठक के अंदर काफ़ी हद तक बातों पर जो थी वो सहमति बनी थी, और उसके बाद ये कहा गया था कि जो क्लर्क एसोसिएशन की मांगें हैं उन मांगों को जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और जो कुछ पॉसिबल होगा उसके ऊपर जो है वो अमल लाया जाएगा। तो अब जाहिर तौर पर आज की ये जो बैठक है, इसकी बैठक से जो है वो कोई ना कोई हल निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रवि, सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो चुकी थी जब से ये तमाम जो क्लर्क है वो हड़ताल पर आ चुके थे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ऐसे में ये बैठक अहम इसलिए भी क्योंकि इसी बैठक से रास्ता भी निकल सकता है। कितने सकारात्मक है क्लर्क इस बैठक से जुड़े को लेकर खासतौर से? देखिए, क्लर्कों के प्रतिनिधि मंडल का यदि हम जिक्र करें तो वो काफ़ी सकारात्मक है। उनका साफ तौर पर कहना कि बीती 13 जुलाई को जब मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव के साथ उनकी बैठक हुई थी तो उस बैठक भी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई थी, और काफ़ी बातों पर जवाहर यादव ने जो है वो सहमति भी जताई थी, और उन्होंने कहा था कि कोशिश करेंगे कि उनकी जो मांगें हैं उन मांगों पर जो है वो कोई ना कोई सहमति जो है वो ज़रूर बने। और साथ ही साथ जवाहर यादव से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो गतिरोध सरकार और क्लर्कों के बीच में जारी है, उस गतिरोध में कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो जरूर निकाला जाएगा ताकि इस गतिरोध को जो है वो शांत किया जा सके। आपको बता दें कि 98 विभाग और लगभग 138 बोर्ड और निगमों के जो क्लर्क हैं वो बीती 5 जुलाई से जो थे वो धरने पर डटे हुए, तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरा का पूरा प्रदेश का जो कामकाज था वो ठप पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर जो है वो जरूर आज की इस बैठक के अंदर जो है वो कोई ना कोई हल जो है वो जरूर निकलेगा। जिस तरीके से काफ़ी सकारात्मक तौर पर सरकार और दूसरी तरफ क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल दोनों ही काफ़ी सकारात्मक जो है वो नजर आए, तो जाहिर तौर पर आज के इस बैठक में कोई ना कोई हल जो है वो जरूर निकलेगा, और एक बार फिर से जो सरकारी कामकाज हैं, जो सरकारी बाबू हैं, वो अपनी सीटों पर बैठे हुए नजर आएंगे।